सो वेलकम स्टूडेंट, आई एम योर अभिषेक सर फ्रॉम सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रेक्टिलिनियर फिगर। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम योर अभिषेक सर फ्रॉम सुपर नॉलेज पॉइंट। सो गाइस, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लेट्स बिगेन दिस वीडियो। सो इफ यू विल टॉक अबाउट रेक्टिलिनियर फिगर, सो द इन जो रेक्टिलिनियर फिगर चैप्टर है, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है पॉलीगन। पूरा चैप्टर सिर्फ कुछ तरह के पॉलीगन्स पे ही बेस्ड है। हम लोग इसमें मेनली क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग मेनली केवल पॉलीगन्स ही पॉलीगन पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि पॉलीगन्स क्या होता है, तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व फिगर जो थ्री या थ्री से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे गाइस? उसे हम लोग कहेंगे पॉलीगन। क्या कहेंगे गाइस? पॉलीगन। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, डिफिनेशन लिखी हुई है, आप उसे रीड करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल वर्ड्स की डिफिनेशन है, ये नोट्स है 9th की, तो इसमें आपको डायरेक्ट कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। तो देखिएगा, इस अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर। मतलब कि कोई एक प्लेन फिगर जो स्ट्रेट लाइंस से बाउंड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर फिगर, और उसी का टॉपिक आता है पॉलीगन। तो देखिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते। अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ थ्री और मोर साइड्स इज कॉल्ड पॉलीगन। एक ऐसा क्लोज फिगर जो थ्री से ज़्यादा लाइन से मिल के बना होता है, उसे पॉलीगन कहते हैं। कुछ पॉलीगन्स के नाम यहाँ पे दिए गए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ट्रेंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टा। देखिए, ट्रेंगल थ्री साइड्स, क्वाड्रिलेटरल फोर साइड्स, पेंटागन फाइव साइड्स, हेक्सागन सिक्स साइड्स, हेप्टागन सेवन साइड्स, ऑक्टागन एट साइड, नैनोगन नाइन साइड, डेकागन एंड टेन साइड। अब आगे देखिए, इफ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर, सॉरी गाइस पीडीएफ है ना, तो इस वजह से अप एंड डाउन हो जाती है। इफ द मेजर्स ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज लेस देन 180, मतलब कि जो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल होते हैं, अगर उसकी मेजर 180 से कम है, तो वो कन्वेक्स पॉलीगन हो जाएंगे, और अगर उसके कम से कम एक एंगल का सम 180 से ज़्यादा है, तो वो कॉन्केव पॉलीगन हो जाएगा। अगर उसके सारे एंगल 180 से कम है, तो वो कन्वेक्स। अगर उसका एक भी एंगल 180 से ज़्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्केव पॉलीगन हो जाएगा। जो ये फिगर है, ये वाली फिगर, ये कॉन्केव पॉलीगन की है, कुछ ऐसा है और ये ऐसा, तो ये कुछ बी टाइप में है। तो जो इसका एंगल होगा, कौन सा वाला एंगल, आप मुझे कमेंट पर करके बता सकते हैं कि कौन सा एंगल 180 से ज़्यादा है, क्योंकि गाइस मैं ही आपको बता देता हूँ सिंपली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको मुझे पता है कि आपको पता होगा, लेकिन मैं ही बता देता हूँ। ये जो एंगल है, ये वाला कौन सा गाइस? ये वाला, ये एंगल जो है 180 से ज़्यादा है। ये वाला एंगल जो है कौन, कितना है? 180 से ज़्यादा है। अब आगे देखिए गाइस, अ पॉलीगन विथ ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर, जिसके सारे साइड्स और सभी एंगल इक्वल होंगे, वो रेगुलर पॉलीगन होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन विथ एन साइड, एन साइड के अगर हम लोग इंटीरियर एंगल के पॉलीगन का सम जो पता करें, तो वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और वी कैन से n-2 इंटू 180। ओके गाइस, n-2 इंटू 180। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन विथ एन साइड इज इक्वल टू 2n-4n/n इंटू 90। तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटीरियर एंगल अगर रेगुलर पॉलीगन का पूछा जाए, तो 360 डिग्री/n। एट ईच वर्टेक्स ऑफ एवरी पॉलीगन एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, अगर हम लोग कोई भी पॉलीगन के किसी भी वर्टेक्स की बात करें, तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल होगा, वो 180 होगा। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कुछ क्वाड्रिलेटरल्स की। सो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगन, जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो फोर साइडेड पॉलीगन है।
सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें कुछ तरह के क्वाड्रिलेटरल दिए गए हुए हैं, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेपेजियम की बात करते हैं। तो ट्रेपेजियम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि उसमें फोर स्ट्रेट लाइन्स और वो क्लोज कर्व फिगर है। तो देखिए कैसे, अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, मतलब कि उसका एक पेयर पैरेलल साइड उसे हम लोग ट्रेपेजियम कहेंगे, और जो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होती है उसकी दो जो दो अनपैरेलल नॉन पैरेलल साइड और वी कैन से अनपैरेलल साइड वो इक्वल होती हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम लगभग लगभग रेक्टेंगल की तरह होता है अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन होता नहीं है, उसमें कुछ खासियत होती है। तो देखिए पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम के पहली बात, साइड इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और कॉन्सिक्यूटिव मतलब जो अगल बगल वाले एंगल होंगे। देखिए जैसे मैं आपको एक पैरेललोग्राम का फिगर बना के बताता हूँ, देखिएगा मैं अभी आपको उसका एक अच्छा सा फिगर बना के बताता हूँ। ये मैंने उठाया कलर, और इस कलर को मैंने डार्क किया, और देखिएगा पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होता है, ऐसा ऐसा। ओके गाइस, तो ये है हम लोग का पैरेललोग्राम। अभी मैं इसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए जो पैरेललोग्राम है हमारा वो कुछ इस तरह होता है, ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा। तो ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो जो दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल होते हैं उसकी मैं अगर आपको बात करूँ वो कौन से होते हैं, तो एक ये वाला और एक ये वाला, ये और ये और ये, यहाँ और यहाँ वाला, और यहाँ जो आपस के दो एंगल होते हैं वो कॉन्सिक्यूटिव एंगल होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल तो सबको पता है, रोम्बस बता देता हूँ, रेक्टेंगल सबको पता है। अब पैरेललोग्राम इज कॉल्ड रोम्बस, एक पैरेललोग्राम को हम लोग रोम्बस कह सकते हैं जब उसकी सारी साइड इक्वल हों और डायगनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें। और स्क्वायर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, स्क्वायर की बात करें हम लोग, अब पैरेललोग्राम इज कॉल्ड स्क्वायर इफ़ ऑल साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज राइट एंगल, डायगनल आर इक्वल और डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसका मैं फिगर बना देता हूँ, ये बहुत ईजी फिगर होता है। ये देखिए गाइस, ये है इसकी फिगर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5 ये भी होगा, 5 ये भी होगा, 5 ये होगा, सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, जितने भी एंगल्स हैं वो सब 90 डिग्री होंगे, डायगनल्स आपस में जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो रेक्टिलिनियर फिगर चैप्टर है ये हम लोग का आज ख़त्म हुआ। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय, टेक केयर।